यहाँ देखो पहाड़ के अंदर से चलती हुई गाड़ी मनाली की तरफ, ये गुफा का नजारा, ठंडी गुफा, बिल्कुल लाइटें यहाँ पर, सुंदर नजारा, पहाड़ का सीना चीर कर गाड़ी निकलती हुई मनाली की तरफ। चांग से मनोज जी हमारी गाड़ी चला रहे हैं और आगे सारथी बैठे हैं मास्टर विजेंद्र सिंह जी और मास्टर सत्यवान जी और मास्टर जी सुबह आदमी के हौसले को सलाम है। मास्टर जी जितेंद्र जी के हौसले को सलाम, तो बिना दारू पी यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पर आनंद आए हुए हैं और ये हवा पलटती हुई बिना एसी के सीढ़ी हवा चलती हुई गाड़ी काट कर पहाड़ के निकलती हुई आगे ठेला चलता हुआ और ये बाइक वाले ने पूरा जोर बांध रखा है। आपके सामने बहुत ही सुंदर नजारा, इतनी लंबी गुफा शायद मैंने तो कभी नहीं देखी होगी, आपने भी नहीं देखी होगी। तो आज ये गाड़ी 100 की स्पीड में जाती हुई तो और लंबी है यार, और ये गुफा मनाली वाली गुफा चलती हुई और यहाँ पर चिल्ड मौसम बनता हुआ, चिल्ड यहाँ पर बहुत ही अनुभवी मैं और मनोज कुमार जी और ये सब की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए सुंदर नजारा यहाँ पर और ये देखो गुफा ही चल रही है इतनी देर से, इतनी लंबी गुफा तो मास्टर जी बताएंगे, बाबा राम रहीम जी की भी नहीं थी। और ये बहुत ही ऑन हार्ड ड्राइवर बहुत ही दर्शनीय नजारा अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने मुकाम की ओर जाते हुए मनाली में पहुंचते ही वहां पर हरियाणा का होक्का भरा जाएगा जिसका उद्घाटन मास्टर बिरेंद्र सिंह जी करेंगे। पंजाब से लाई हुई सिस्टम की लाकड़ी के साथ और ये यहाँ पर देखो गुफा के द्वार से निकलते हुए जवान और ये वापिस बेल्ट को बांध कर बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों ने ये नजारा देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं संदीप भुटाणा कैमरामैन मास्टर सत्यवान जी के साथ, मेरे दाएं खड़े मास्टर जितेंद्र जी, मास्टर विजेंद्र जी और मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।